वही है कि हमारी गाड़ी गड्ढा था तो हमारी गाड़ी उसमें फंस गई, और गाड़ी फंस गई तो उसमें ऐसे ही और लोगों की भी गाड़ियाँ फंस रही हैं। बस इतना ही बात है, बस इतना ही तो है साहब। जिस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट के नेशनल हाईवे में गड्ढा है, लेकिन इनके लिए बस इतना ही है। जरा सी बरसात में गड्ढों में पानी भर जाता है, गाड़ियों को निकलने का रास्ता नहीं मिलता, लेकिन बस इतना ही है। लोगों को गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग यदि बाइक पर हो तो अक्सर गिर जाते हैं, लेकिन साहब के लिए बस इतना ही तो है। सबसे पहले सुनिए इन महाशय को, जिन पर सड़क की क्वालिटी और रोज हो रहे हादसों को लेकर FIR हुई है। हमारा जो इस बरसात में कुछ रोड तो पोटोल्स हो गए थे, तो पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि मेन कैरिज वे को वो पोटोल्स फ्री करें, क्योंकि DM बुलंदशहर की तरफ से भी ऐसा ही इंडिकेशन था, DM अलीगढ़ की तरफ से भी था। ये टोटल लंबाई है 126 किलोमीटर, तो इसको हमने पहले पोटोल्स फ्री किया। पोटोल्स फ्री में हमको 2 महीने करीब लग गया। जैसे ही हमारा पोटोल्स फ्री हुआ, हमने सर्विस रोड नीचे के अंडरग्राउंड जो BUP है, BUP के नीचे में जो रहता है उस वहाँ पर भी पानी आनी पड़ता है, और उसकी जो स्लिप रोड होती है, सर्विस रोड होती है, उसकी मेंटेनेंस हमने जस्ट टेकअप ही किया था। अनफॉर्चुनेटली उस दिन वो लेखपाल का हो सकता है वहाँ पे कुछ उसके साथ में इंसिडेंट हुआ होगा उनके साथ में, तो उन्होंने उसका शिकायत कर दिया। आपके पास FIR आई होगी, आधार क्या बनाया गया FIR के पीछे? वजह वही है कि हमारी गाड़ी गड्ढा था तो हमारी गाड़ी उसमें फंस गई, और गाड़ी फंस गई तो उसमें ऐसे ही और लोगों की भी गाड़ियाँ फंस रही हैं। बस इतना ही बात है, तो उसमें वही लिखा है भैया। हमारे पास कॉपी नहीं आई मेरे पास अभी, बट वो मेरे कंसेशनर के आदमी जाके लेंगे तो फिर उसका जवाब दे देंगे हम। तो सुना आपने, लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन बस इतना ही है। दरअसल ये सड़क है बुलंदशहर के खुर्जा नगर क्षेत्र का, जहां के एक फ्लाईओवर के सर्विस रोड का हाल सालों से खराब है। सर्विस रोड की इस हालत को देखकर क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं, और कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कभी अधिकारियों के कानों पर जू नहीं रहेंगी। जब क्षेत्रीय लेखपाल खुद इस सड़क से होकर गुजर रहे थे और उन्हें खुद दिक्कत हुई, तब जाकर लेखपाल साहब ने FIR दर्ज कराई। आपने जो रोड की समस्या को लेकर शिकायत दी है, किसके खिलाफ शिकायत दी है, क्या पूरा मामला था? वहाँ पर आए दिन गाड़ी फंसे, तो मैं खुद आगे रोजाना निकलता हूँ, मेरा क्षेत्र में वहाँ रोज फंसू, तो वहाँ के निकलने में आम आदमी परेशानी है, रोजाना आदमी घायल हुए वहाँ गिर के। इस मामले को लेकर जब यूपी तक की टीम ने पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। खुर्जा नगर में झमका गाँव है, जहाँ पे NH 91 की सर्विस लेन में बड़े बड़े गड्ढे थे जिसमें पानी भरा हुआ था, और उसमें लोग गिर रहे थे। इस बात को लेकर स्थानीय लेखपाल यतेंद्र के द्वारा एक तहरीर थाना खुर्जा नगर में दी गई, और जो भी इस NS में इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध अभियोग दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, UP तक।